अगर ईवीएम का मुद्दा अगर इसके साथ जोड़ देवे किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जी, तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन 10 गुना बढ़ सकता है। किसान वर्सेज सरकार का मुद्दा चलेगा तो मीडिया से 5 साल में जो मुद्दे है बीजेपी के विरोध के, वो सारे मुद्दे अपने आप गायब हो जाएंगे कि पार्टी लेवल पर कितना खर्च होगा, 500 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 लाख करोड़, कोई अमाउंट चुनाव आयोग फिक्स नहीं कर रहा है। इसीलिए चुनाव में 2 नंबर का पैसा बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है। टाइम हो जाता है तो बोलते हैं आपकी समय मर्यादा पूरी हो गई, अभी आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, लेकिन रात को 2 बजे तक नरेंद्र मोदी का प्रचार चलता रहेगा टीवी चैनलों में। बॉन्ड पेपर पर पाबंदी लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये कर सकती है ईवीएम पर पाबंदी लगाए। देश में किसान संघर्ष कर रहा है और सरकार उसकी राहों में कीले बिछा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो आपके यूट्यूब चैनल का धन्यवाद कि आपने समय निकाला है। संक्षिप्त परिचय पहले दे देता हूं। वीएल मातंग नाम है, गुजरात से बिलोंग करता हूं और पिछले 30-35 साल लगातार मानसिक का राष्ट्रीय प्रचारक के तौर पर कार्यरत हूं। आपका जो सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है। आपको याद होगा तो पहले भी किसानों ने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला हुआ था, उसी समय भी यही परिस्थितियां थी, इसे भी भयानक परिस्थितियां थी। किसान आंदोलन जो चल रहा है इसकी कोई सुनवाई तक नहीं केंद्र सरकार कर रही है। इसका मूल कारण यह है कि केंद्र सरकार जो बीजेपी सरकार है उनको अभी डर नहीं लग रहा है चुनावों में कि हमारे विरोध में इतना सारा माहौल बन रहा है और हमें वोट नहीं मिलेगा। तो ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन के साथ किसान आंदोलन को अगर अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो मुझे लगता है ईवीएम का मुद्दा उठाना चाहिए। इससे असंगठित मजदूर, मुस्लिम, महिलाएं, ओबीसी के लोग जिनकी जाति जनगणना नहीं हो रही है, आदिवासियों की विस्थापन हो रहा है, इस सारी समस्या का मूल कारण ईवीएम है। अगर ईवीएम का मुद्दा अगर इसके साथ जोड़ देवे किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जी, तो निश्चित तौर पर यह आंदोलन 10 गुना बढ़ सकता है और एक जन क्रांति का रूप ले सकता है, तभी इनकी समस्या का समाधान है। लेकिन क्या कहेंगे सर, दो साल पहले सरकार वादा करती है कि हम एमएसपी पे जो है गारंटी देंगे और अभी फिर से वही तमाम चीजें उठने लगी किसानों को लेकर, उनको खालिस्तानी और आतंकवादी तक बोला जा रहा है। वादा खिलाफी में कांग्रेस से 2 कदम आगे बीजेपी है, कांग्रेस से 2 कदम आगे बीजेपी है। आपको मालूम ही होगा कांग्रेस के समय में 2 किलो रुपये में चावल देते थे और वोट लेते थे। अब ये 5 किलो चावल के झांसे में 80 करोड़ लोगों को उलझा के रखा हुआ है। वो इसीलिए भी कर रहे हैं, मुझे लगता है केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार इसलिए भी कर रही है वादा खिलाफी, 2 साल पहले जो कहा था। अब वादा खिलाफी का मूल कारण केंद्र सरकार एक रणनीति के तौर पर ये कर रही है ताकि किसान जब आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पर किसान वर्सेज सरकार का मुद्दा चलेगा तो मीडिया से 5 साल में जो मुद्दे है बीजेपी के विरोध के, वो सारे मुद्दे अपने आप गायब हो जाएंगे, सारे के सारे मुद्दे गायब हो जाएंगे। इस रणनीति पर सरकार ट्रैप कर रही है। मैं इसीलिए दोबारा बता रहा हूं कि फिर वादा खिलाफी करेंगे, फिर वोट लेंगे, तो इसका सीधा और सॉल्यूशन निकालना है तो ईवीएम के विरोध में पूरे भारत में बड़ा आंदोलन करना चाहिए। किसान अगर ये आंदोलन करते हैं तो निश्चित तौर पर इसको यह आंदोलन 10 गुना और बढ़ेगा और समस्याओं का समाधान बड़े तरीके से हो सकता है। सर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे जो फैसला दिया है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं?
हाल ही में 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया इलेक्ट्रिक बॉन्ड पर, इलेक्शन बॉन्ड पर, मेरा ऐसा मानना है कि भारत में यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इससे भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, भारत में निष्पक्ष चुनाव होता नहीं है, नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि आप पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि अगर एमएलए का चुनाव लड़ना है तो निश्चित तौर पर एक अमाउंट फिक्स है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। एमपी का चुनाव लड़ना है तब भी फिक्स है, आप 78 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, ये फिक्स है। मतलब कैंडिडेट को उसका फिक्स है कितना खर्च करेगा, लेकिन पार्टियों का कोई अमाउंट फिक्स ही नहीं है कि पार्टी लेवल पर कितना खर्च होगा, 500 करोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, कोई अमाउंट चुनाव आयोग फिक्स नहीं कर रहा है। इसीलिए चुनाव में 2 नंबर का पैसा बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है और 80% जनता को चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया, लोकतंत्र की प्रक्रिया से। जो लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन लगाकर 80 करोड़ लोग लगे रहते हैं, 5 किलो चावल का मुझे लगता है ज्यादा हुआ तो 20 रुपया 25 रुपया, कोई बासमती चावल तो दे नहीं रहे, तो 100 रुपये की बात है, 100 125 150 की बात है, ज्यादा नहीं है। 80 करोड़ अगर 5 किलो चावल पर निर्भर है, क्या आपको लगता है कि भारतीय की भारत की चुनाव प्रक्रिया में वो अपनी डिपॉजिट भरने लायक है? डिपॉजिट तक भरने लायक नहीं है, चुनाव लड़ना तो बहुत आगे की बात है। तो वो तो आउट कर दिया है, लोकतंत्र से खदेड़ दिया उन लोगों को। और सारा का सारा, आप पत्रकार, आपको मालूम होगा पिछले रेशियो में, अभी रेशियो में बीजेपी कांग्रेस का इनकम का रेट कितना बढ़ गया है, और अभी तक उनको कोई चुनाव आयोग ने उनसे ये नहीं मांगा कि आपको बॉन्ड, मतलब बॉन्ड पेपर कहां से इनकम आएगी उसका नाम वगैरह उद्योगपतियों का नहीं दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया, उसको बॉन्ड लगा बैन लगा दिया, ये बड़ा काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ पार्टियों को भी अमाउंट फिक्स होनी चाहिए चुनाव में। दूसरा मुद्दा है कि मीडिया में भी टाइम फिक्स होना चाहिए, अगर चुनाव के समय क्या होता है, अगर टाइम हो जाता है छोटी पार्टियों का या बड़ी पार्टियों का टाइम हो जाता है तो बोलते हैं आपकी समय मर्यादा पूरी हो गई, अभी आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। लेकिन रात को 2 बजे तक नरेंद्र मोदी का प्रचार चलता रहेगा टीवी चैनलों में, राहुल गांधी का प्रचार चलता रहेगा, तो मीडिया पर भी तो टाइम बोर्ड होना चाहिए, पार्टियों के ऊपर टाइम बोर्ड सिस्टम में अगर ये 2 काम हो जाए, पार्टी की अमाउंट फिक्स हो जाए और प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग बंद हो जाए, तो बड़ा लोकतंत्र को कुछ हद तक आप संभाल सकते हैं, अन्यथा लोकतंत्र पूरा अभी वन साइडेड चल रहा है। न्यायपालिका में 79% ऊंची जाति के जज है, अखबारों का कटिंग आपको चाहिए तो हाईकोर्टों में जज 79%, 80% ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में उच्च जाति के लोग हैं, क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी। और विधायिका में आपको मालूम है अभी 462 करोड़पति सांसद बैठे हुए हैं, एडीआर का रिपोर्ट है, और 233 लोग क्रिमिनल लोग बैठे हुए हैं। तो जो चुनाव को पूरा नीचे से ही कोलैप्स किया और मीडिया 100% उनके नियंत्रण में है, इसी वजह से भारत में लोकतंत्र खत्म कगार पर है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बॉन्ड पेपर पर पाबंदी लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये कर सकती है ईवीएम पर पाबंदी लगाए, ताकि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि ईवीएम से
ट्रांसफर पारदर्शिता फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इजाजत दिया हुआ है ईवीएम का, 120 देशों में पाबंदी लगी है, सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, जन आक्रोश ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट को बॉन्ड पेपर पर पाबंदी लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर फैसला दे ईवीएम पर पाबंदी लगाने का, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होता है।